यदि इस खान सर सामने पर आ रहे हैं इधर जी, हाँ 10 मीटर के आसपास ही बैठना है। हाँ। यदि 5 बजे से क्लास है तो आपको 1-1.5 घंटा पहले जाके नंबर में बैठना पड़ेगा। कितना स्टूडेंट सर आपको वहाँ मिलेगा ब्रश करते हुए सीढ़ी पर बैठा हुआ रहेगा? खान सर लड़की के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, लड़कों को ज़्यादा मानते हैं, काहे उनका वीडियो देखिएगा। हाँ CBSE वालों को देखते हैं तो एक बार वो टारगेट करते हैं, अरे गोरखा चमड़ी वाला आ गया है। हाँ। कितना खर्चा आता है आप लोगों का यहाँ जैसे तैयारी करते हैं तो? एटलीस्ट 5-6 हज़ार के बीच में तो आएगा। 5-6 हज़ार जी। कैसे क्या क्या खर्च होता है? रूम रेंट, चावल, दाल, आटा, गेहूँ, जो भी गेहूँ। ये खुद से बनाते हैं आप लोग या मेस में? दोनों तरह के स्टूडेंट हैं, कुछ लोग खुद से भी बनाते हैं, कुछ लोग घर से भी लेके आते हैं सारा मटेरियल जो भी इंग्रेडिएंट्स है, चावल दाल। कुछ लोग यहाँ खरीदते भी हैं, जो मेस में खाएंगे उनको ज़्यादा खर्चा बैठेगा, जो खुद से बनाएंगे। तो औसतन एक रूम का कितना पैसा लगता है? वही 5 हज़ार के आसपास। अच्छा, एक रूम का सिर्फ? जैसे रूम लेके रहना, रूम का किराया यदि सिंगल बेड का है तो वो तो फिर 2 हज़ार से लेके 2500 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन यदि डबल है तो फिर 3000-3500। जैसा रूम चाहिए, यदि मार्बल टाइल्स चाहिए तो फिर वो और महंगा 5 हज़ार तक जा सकता है। इसके बाद क्या खर्चा होता है? वैसे मेरा तो यहाँ पे अपने ही घर है। अच्छा, साकेत दोस्त है तो इसीलिए इसके कमरे पे आए थे अभी। अच्छा, तो आप ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। तो ये एक रूम का हो गया, फिर खाने पीने का और कोचिंग का? कोचिंग का जैसे GS खान सर हैं तो एजुकेशन में रिवोल्यूशन ला, क्रांति ला दिए हैं। 200-250-500 में कौन पढ़ा देता है पूरा GK? ज्योग्राफी का यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 200-250 के बीच में उनका कॉस्ट है क्लास का, ऑनलाइन क्लास का। आप ऑफलाइन जाके पढ़ाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा तामझाम है, बेंच, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका थोड़ा सा कॉस्टली आ जाता है। हम तो ऑनलाइन क्लास ही प्रीफर करते हैं। तो 200-250 तो खान सर आने के बाद वो सस्ता हो गया। जैसे गुरु रहमान भी हैं, उनका थोड़ा सा महंगा होता है खान सर के अपेक्षा में। तो उसके बाद इंग्लिश है तो 6000-7000 तक इंग्लिश का क्लास हो जाएगा, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि यदि इंग्लिश का क्लास आप ले लिए तो वो भी ख़त्म होगा कि नहीं। मेरा भाई रहता है, वो यहाँ पे एक टीचर है, नाम मैं लूँगा नहीं, तो उनको पे किया वो 7000 के लगभग, बीच में ही क्लास ख़त्म हो गया, उनको कुछ बीमारी हो गई, ना पैसा रिफंड हुआ, फिर दूसरा क्लास ज्वाइन करना पड़ा। उसी तरह मैथ्स का भी है, मैथ्स फिर। ये बताइए, जिसे हम लोग ये देखते हैं कि खान सर का जो सोशल मीडिया पर क्रेज है वो क्या ऐसे ज़मीन पर है उतना वैसे? उससे ज़्यादा है जी। कई गुना ज़्यादा है पटना में सर का क्रेज। सर ईमानदारी से पढ़ाते हैं। तो कहाँ उनकी क्लास में भीड़ कितनी होती है? एक बैच में कम से कम 10-12 हज़ार बच्चा बैठते हैं सर। 10-12 हज़ार बच्चे ऑनलाइन में बोलते हैं। ऑनलाइन में जब हम लोग इंडियन मैप का क्लास करते थे तो सर बोलते थे शायद 63 लाख स्टूडेंट ऑनलाइन में उस समय पढ़ते थे, जब हम लोग इंडियन मैप का क्लास ऐसे 2 महीना पहले करते थे तो बोलते थे सर भाई कैस हो जाता है बार। इतने सारे बच्चे बैठते कहाँ एक साथ? बड़ा सा हॉल है सर, बड़ा सा हॉल है सर, देख लीजिए। आए ही है तो मुस्लिम पुहाट नज़दीक में है, जाकर क्लास यदि उनके नज़र के सामने करना है। हाँ। यदि इस खान सर सामने पर आ रहे हैं इधर जी, हाँ 10 मीटर के आसपास ही बैठना है। हाँ। यदि 5 बजे से क्लास है तो आपको 1-1.5 घंटा पहले जाके नंबर में बैठना पड़ेगा कि सर हमारा है, हम आगे बैठेंगे। अच्छा, ऐसा है? हाँ, ऐसा भी करते हैं बच्चे। ऐसा भी करते हैं, 1-1.5 घंटा पहले। सुबह 5 बजे क्लास है तो 4 बजे आदमी पहुँचे, 4 बजे आ जाइए। यदि 7 बजे क्लास है तो आपको 5 बजे 5:30 बजे तक तो कितना स्टूडेंट सर आपको वहाँ मिलेगा ब्रश करते हुए सीढ़ी पर बैठा हुआ रहेगा? यार क्या चीज़ जरा क्या बता रहे हो? दतमन एक पहुँच जाता है, पानी भी नहीं खर्च होता है, दतमन लेके पहुँच जाता है। हाँ हाँ हाँ, अरे हम जानते हैं, हम भी गांव से, हम भी इलाहाबाद यार, ऐसे विदेश से थोड़ी ना है कि दातून नहीं जानते, इलाहाबाद से हैं यार, हम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो दातून वतून तो नीम का सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो आपको जैसे पहले आओ पहले पाओ की योजना वहाँ लागू हो जाती है, जो आगे उसको आगे फिर सीट मिलेगा। तो ऐसा होता है कि इस लाइन में लड़कियाँ बैठेंगी, इसमें लड़के? ऐसा खान सर लड़की के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, लड़की का सीट यदि 10 बेंच का बनाया गया है, लड़की नहीं भी है तो आप वहाँ नहीं बैठ सकते हैं। अच्छा। हाँ, कोई छेड़ नहीं सकता लड़की को। क्लास खत्म होगा तो पहले लड़की उतरेगी, उसके बाद लड़का का नंबर आएगा। लड़कों को ज़्यादा मानते हैं, काहे उनका वीडियो देखिएगा। हाँ, लड़कों को ज़्यादा मानते हैं। कैसे? उनका वीडियो देखिएगा, आप एक वीडियो देखिएगा आपको पता चल जाएगा। उदाहरण काला लड़का भी ज़्यादा मानते हैं, सबसे ज़्यादा उसी को मानते हैं जो ब्लैक रहता है। ब्लैक रहता है, ब्लैक लड़का को। आप उनका
उनका वीडियो एक और देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। सीबीएसई वालों से तो उनका थोड़ा सा रहता है, थोड़ा हाथ गर्म है उनका। सीबीएसई वालों को देखते हैं तो एक बार वो टारगेट करते हैं, अरे गोरखा चमड़ी वाला आ गया है। मजाक में ही शिक्षक और स्टूडेंट के बीच जो एक होता है ना सर, मजाक वाला संबंध। ये वाला यार तुम जरा थोड़ा अच्छे समझाओ कि ब्लैक वाला क्या मामला है, मतलब जो सांवले लड़के उनका कैटेगरी। हाँ सांवले जो हैं ब्लैक हैं, जो उन्हीं को ज़्यादा मतलब मानते हैं। अच्छा ठीक बात कह रहे हैं क्या जी? आप लोग भी करते हैं क्या कुछ? हाँ ना, ऑनलाइन क्लास करते हैं उनका। छुटका जाएगा ये क्या तैयारी करता है? अरे छोड़ दो, क्लास नाइन्थ में तो ये क्या कर रहा है? अभी नाइन्थ में है तो उसका प्रिपरेशन कर रहा है, क्लास करता है यहीं पे आसपास में। क्या यहीं रहता है? लॉज में? लॉज में रहता है, इसके बड़े भैया भी रहते हैं यहीं पे होंगे कहीं, दो तीन भैया। नौवीं क्लास से बच्चे यहाँ आ जाते हैं? इसको बीपीएससी करना है तो नौवीं से ही आ जाएगा। हाँ ये तो एक साल से रहा भी रहा। अच्छा और कौन सी क्लास में हो भाई? इलेवेंथ। इलेवेंथ में तो यहाँ हॉस्टल में आ जाते हैं पढ़ने के लिए? लॉज में रहते। लॉज में मतलब इसे कोटा चले जाते हैं बच्चे, वैसे यहाँ आते हैं क्या? ट्वेल्थ टेंथ से ही? यस सर। तो ये सब जो खान सर के बारे में बता रहे थे, खान सर को जानते हो? जानते हैं, पढ़े नहीं उनसे। हाँ तभी तो स्कूल चल रहा होगा ना। और खाना वाना कैसे होता है? मेस। अच्छा और किसके साथ रहते हो यहाँ आप? सिंगल अकेले? इतनी कम उम्र में कहाँ घर है आपका? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण, उसको और क्या बोलते हैं? मोतिहारी। मोतिहारी। तो अब पिताजी क्या करते हैं? LIC एजेंट। अच्छा तो घर कितने भाई हैं? तीन भाई एक बहन। तो बड़ी कम उम्र में यहाँ बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए? आ जाते हैं।